सो यहाँ मेरी सारी दोस्तें जो हैं उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ. भाई सबकी पसंद नापसंद होती है, और कभी कभार अपने अपने पूरे चेहरे में से कोई नक्श आपको बहुत अच्छा लगता है, और कभी होता है कि हरे काश ये चेंज हो जाए, काश ये चेंज हो जाए. किसी और को देख के भी आपको बड़ी खुशी होती है. तो अगर मैं आप चारों से ये सवाल करूँ कि पाकिस्तानी ऐसी कौन सी एक्ट्रेसेस, पुरानी नई कोई ऐसी जिनकी आंख नाक होंठ और बाल चार, कान छोड़ देती हूँ मैं भाई, कान नहीं नजर आते, कान मेरे ले लो। आंख के लिए किसी को भी चूज कर लें, कोई चारों अलग अलग भी हो सकती हैं. हाँ पाकिस्तान अच्छा, की बताना मुझे, डिंपल नहीं कपाड़िया पे मत पाकिस्तान चली जाना. पाकिस्तान की अच्छा बताएंगे. रहन नमाज़ देखे बहुत खूबसूरत खूबसूरत है. चलो पहले आंख से शुरू करते हैं ना, खाली एक एक करके ताकि सोच. ठीक है, आंखें अतीका ऑर्डर. मैं भी यही अतीका ऑर्डर. Yes. मैं सोच रही हूँ नादिया, मुझे किसी का ये नहीं हो. मुझे बस ये होता था कि काश वो वाली पावर होती कि आप कुछ भी खाएं और आपको वेट नहीं आता. मैं एनवी करती हूँ तो उन लोगों को करती हूँ. हाँ. से वरना मुझे किसी का नहीं हुआ, मेरे बाल ऐसे हो, मेरी कौन है, कौन है ऐसी जैसे ऐसी बहुत है, बच्चियां इतनी लड़की है. एक है फौजिया मान है, वो मॉडल, वो तो जो मर्जी खा ले, कुछ भी खा ले, वो बच्चे उनको कुछ भी नहीं कोमल. किसी की आंखें तो अच्छी लगती होंगी, चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का भी हो. लड़कों के भी किसी की, जैसे फैसल कुरैशी की पलकें लड़कियों से भी लंबी लंबी है. जैसे सज्जल है ऑप्शन की आंखें हैं. और कौन है, मुझे कभी किसी को मैंने ना एनवी नहीं किया कि ये हो जाए. हाँ ये चीज मैंने एनवी किया. जैसे आप एडमायर करते हैं, जैसे सज्जल रोती है ना, उसकी आंख से जब आंसू निकलता है एक्टिंग के वक्त, आपकी जाती के अल्लाह ताला ने इसको आंखें ऐसी दी है ना, वो टप 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 बड़ा, मतलब वो आराम से अपनी आंखों से खेल सकता है. मुझे एक ईमान अली भी बहुत प्यारी हुई हुई ईमान की, उसके तो होंठ अगर मुझसे पूछेंगे ना, मुझे उसके दाएं जो है ना, हम नॉर्मल ऐसे देखते ना, क्या है वो ऐसे दिखती है, क्या है ये हमें क्या है इसका वो वाला कौन है यार, लगे कि आवाज नहीं आ रही. बोलो नादिया भी ये वहीं से सीखा है इसने. हाँ. ये तुमने वहीं से सीखा. नहीं ईमान अली स्टाइल है तो ईमान की ना नॉर्मल बात में भी एक अदा है, हालांकि उसके साथ गाली भी दे देगी लेकिन अदा रहेगी. यू सो दैट स्टाइल है. सो आपने चूज की ईमान अली की आंखें, मैंने चूज की बाल बाल सब, और मैंने उसके होंठ. तुमने अच्छा, की आप सोच लें अब आपकी. अच्छा, नहीं, आई गो विद नादिया. ईमान अली के जो फीचर्स है ना वो बहुत ही ड्रीमी एंड बहुत ही किसके दोबारा से बोलो, ईमान अली के. हाँ, है ना, बहुत ड्रीमी. और वो अभी जो मैंने से गजल के बारे में पूछा, गजल जैसे लिखी जाए ना तो वो ऐसे चेहरे पे लिखी जाए. क्या बात है.